नमस्कार दोस्तों, मालवा निमाड़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित परियोजना महुसनावत आमान परिवर्तन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। इसके डाइवर्टेड रूट पर दो प्रमुख टेंडर निकल चुके हैं, जबकि दो टेंडर और निकलना बाकी है। लेकिन इसके आगे जो हमारा पुराना रूट था, उस पर कुछ हिस्से के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं, जो कि है चोरल से लगा के मुक्तियारा बलवाड़ा के बारे में। इस लगभग 16 किलोमीटर सेक्शन के लिए टेंडर के पूर्व सूचना हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दे दी थी। 261 करोड़ रुपए की लागत का यह टेंडर निकाला गया है, जबकि राजपुरा से लगा के जो टनल एक के मुहाने तक का टेंडर था वह अभी नहीं निकला है, और ना ही चोरल से लगा के राजपुरा का टेंडर निकलने वाला था, उसको भी फिलहाल में रोक दिया गया है और यह नया टेंडर बीच में निकाल दिया गया है। काफ़ी प्रमुख यह रूट है और इसकी खास बात यह है कि इसमें पुराने रूट मीटर गेज के उस जगह से यह सेक्शन ना गुजरते हुए नए इलाके से गुजरेगा, तो इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी रेलवे के द्वारा किया गया है और नए रूट पर एक 900 मीटर लंबाई की सुरंग भी बनाई जाना है, जिसके लिए इस टेंडर में उल्लेख नहीं किया गया है। संभवतः यह अलग से टेंडर टनल के लिए निकाला जाएगा आने वाले समय में। तो इस टेंडर की बात हम करते हैं, 18 महीने इसकी अवधि दी गई, यानी कि 1.5 साल की अवधि में यह संबंधित एजेंसी को तैयार करना होगा, जिसमें ट्रैक डालने से संबंधित सभी गतिविधियाँ होंगी, अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग और टोवॉल आदि बनाए जाना है, पुल पुलिया का निर्माण किया जाना है और चोरल स्टेशन भी इसमें बनाया जाएगा, जिस पर दो प्लेटफार्म बनाए जाएंगे, साथ ही ओवरब्रिज भी यहाँ पर बनाया जाना है और पानी की टंकी आदि बनाया जाना है। इस सेक्शन की बात करें तो इसमें जो टेंडर निकला है, कुल 29 छोटे बड़े पुल आ रहे हैं, जिसमें से 9 बड़े आकार के हैं। 9 बड़े पुलों में 5 रोड ओवरब्रिज भी शामिल है, वहीं 8 अंडरब्रिज भी इसमें शामिल है। 20 छोटे पुल पुलिया आदि इसमें आ रहे हैं, जो कि हमारे पाइपलाइन आदि के लिए और जो पानी आदि के निकासी के लिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से बनाए जा रहे हैं, और कुछ जानवरों की सुरक्षा के हिसाब से भी यह इलाके में इंतजाम रेलवे के द्वारा किए जाना है। तो उस दिशा में यह महत्वपूर्ण टेंडर आज देखने में आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही जो अगले टेंडर है उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बीच जो हमारे बढ़िया स्टेशन से टनल एक के मुहाने तक का जो टेंडर निकला था, उसकी तारीख एक बार और बढ़ा दी गई है, 7 जून अब उस टेंडर की अंतिम अवधि है जमा करने की, और जो नया टेंडर आज देखने में आया इसकी अवधि जुलाई के पहले हफ्ते में दी गई है। तो टेंडरों की जो प्रक्रिया चल रही है यह काफ़ी धीमी है, और जो टनल से संबंधित जो टेंडर है उसकी प्रक्रिया भी जुलाई महीने से शुरू होना बताई जा रही है, यह भी काफ़ी अचरज की बात इस पूरी प्रक्रिया में नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी धीमी गति से यह जो टेंडरों की प्रक्रिया है एग्जीक्यूट हो रही है, और संबंधित एजेंसी के द्वारा भी करीब 3-4 महीने पूर्व LOA प्राप्त होने के पश्चात भी अब तक कार्य शुरू न किया जाना भी इस कार्य में सवाल खड़े करता है। खैर, रेलवे की यह प्रक्रिया पहले से ही चलती आ रही है, यह कोई नई बात हम लोगों के लिए नहीं है। रतलाम मंडल के नागरिकों को ऐसे धीमे कार्य और ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनकी अब आदत हो चुकी है, क्योंकि कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, ना ही अखबारों में कोई असलियत की खबरें देखने को मिलती है। रेलवे के कार्यों पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि सबके निजी हित टिके हुए हैं। खैर, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, छोटा मोर बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल, जो महत्वपूर्ण टेंडर निकला है, इसके खुलने से आने वाले समय में जो मुक्तियारा बलवाड़ा से चोरल और थोड़ा आगे तक का सेक्शन है वह बनाए जाने हेतु रास्ता क्लियर होता हमें तो दिखाई दे रहा है। बहरहाल, मुक्तियारा बलवाड़ा से लगा के बड़वाह और ओंकारेश्वर रोड के बीच का जो टेंडर था, उस पर कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तेज़ी हमें कुछ समय पश्चात देखने को मिल सकती है। ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि बरसात का सीजन भी तकरीबन महीने भर बाद शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कितना कार्य रेलवे की जो एजेंसी है वह करती है देखने वाली बात होगी। तो यह थी छोटी सी जानकारी इस कार्य के बारे में। पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।